तो आज की हमारी इस क्लास में हम एडवांस एक्सेल की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन। एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पिवट लेना है, आपको फिल्टर लेना है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, नीड टू सिलेक्शन। ओके, कॉपी पेस्ट करना है तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी इस क्लास में सिलेक्शंस के ऊपर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सिद्धार्थ जी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासेस। सिद्धार्थ जी, बस फ्यू सेकेंड्स में आपकी टॉपिक स्टार्ट होगी। और जो यूट्यूब पे हमारी इस वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल ऐप दिया हुआ है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जानते हैं हम कैसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो माउस की बात करें तो हम पहले स्टार्टिंग में क्लिक करके क्लिक को होल्ड करते हुए डेटा को सिलेक्ट करते हैं, राइट? लोग जनरली ऐसे करते हैं ना सर? राइट सर। लेकिन एक और तरीका है कि आप स्टार्टिंग में रखें और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट में क्लिक कर लें, राइट? या लास्ट में कर्सर रखें और शिफ्ट प्रेस करके सबसे स्टार्ट में क्लिक कर लें। ओके ओके। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कर्सर मूव होता है ना, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूँ तो वो सिलेक्टेड होते हुए आता है। तो जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं, हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। ओके ओके। दूसरा, जनरली हम लोग कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए जो होता है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट, मतलब कि यहाँ पे गो टू स्पेशल के अंदर करेंट रीजन को ट्रिगर करता है और आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर बीच में अगर कोई ब्लैंक हुआ, जैसे एक पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो मेरा सिर्फ ऊपर का डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके। जस्ट कंट्रोल ए करने पे अगर आपका कॉलम पूरी तरह ब्लैंक है, जैसे कॉलम ब्लैंक है, अगर मैं कंट्रोल ए किया तो मेरा ये ए जो है स्टार्टिंग होगा, इसके आगे का डेटा जो है सिलेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास रो एंड कॉलम अगर ब्लैंक हुआ, कंट्रोल ए आप करते हैं तो क्या होता है, आपका उतना ही डेटा सिलेक्ट होता है जो कि ब्लैंक कॉलम से पहले का होता है, उसके बाद का डेटा सिलेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? यस yes। लेकिन हाँ, इसमें अगर बीच में कोई एक लेटर दिया हुआ है, समय बीच में एक एक सेल में दे दिया, एक में भी दिया हुआ है तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, रो एंड कॉलम सेम में। अब बात करते हैं कि अगर आपने एक बार कंट्रोल ए किया तो ये आपका सिर्फ जो करंट रीजन है, जो डेटा है वो सिलेक्ट होगा। अगर आपने दो बार कर दिया तो ये पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेगा, पूरी की पूरी शीट को। अब पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है, इस पे भी आप क्लिक करके पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सर? यस। अब कर्सर मूव करने की बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे कीबोर्ड से नहीं, माउस से नहीं, कीबोर्ड से कर्सर मूव करना है, तो आप अगर एरो की दब प्रेस करते हैं तो कर्सर जो ऊपर नीचे सिर्फ जाएगा या आगे पीछे जाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो की प्रेस किया सबसे लास्ट में आएगा, राइट किया राइट में, अप किया लेफ्ट किया लेफ्ट में, राइट राइट। तो ये जो होता है सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक है, राइट, यहां से मैं अगर कंट्रोल अप करूंगा तो सबसे ऊपर यहां पहुंचेगा। देखिए, क्योंकि बीच में ब्लैंक का सिक्वेंस है, जहां पे ब्लैंक का सिक्वेंस खत्म होता है, ब्रेक होता है, वहां पे जाकर कर्सर रुक जाता है। से मुझे तरह से फिल का सीक्वेंस, अगर मैं यहाँ पे है कंट्रोल डाउन किया तो फिल का सीक्वेंस है, जहां पे फिल का सीक्वेंस खत्म होता है वहां पे कर्सर रुक जाता है। ओके तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके डेटा में बीच में कहीं ब्लैंक सेल है तो आपका कर्सर यहीं पे रुक जाएगा। अब डेटा काफी ज्यादा है, जैसे मैं इसको कई बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और बीच में आपको बहुत सारे ब्लैंक है, ठीक है,
तो आपको आना मुश्किल होगा। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ए 65,000 टाइप करके सबसे लास्ट में चले जाते हैं। 65,000 की जगह पे लाख 1,00,000 2,00,000 जो देना चाहे आप दे सकते हैं। और यहां से मैं कंट्रोल अप एरो यूज करूंगा तो ये मेरे ऊपर पहुंच जाऊंगा, राइट। राइट तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। और सिलेक्ट करके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। एक मिनट चाहिए, हैंग हो गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो, हो गया सिलेक्शन, हो गया डेटा सिलेक्ट आपका, बट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक एंड और एक होम कमांड होता है। कीबोर्ड में देखेंगे तो ENDI एंड और होम दो कमांड आपको दिखेंगे। तो जैसे मैंने सिंपल एंड प्रेस किया तो नीचे देखिए आपका स्टार्ट इसमें स्टेटस बार में आपको एंड मोड आ रहा है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा एक कर्सर सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, पहुंच गया। और लास्ट तो आर है, एस पे गया है, क्यों गया? तो बेसिकली ये जो होता है यूज्ड सेल पे जाता है कि आपने कितना कॉलम यूज किया है, कितना कॉलम और रो यूज किया है उसकी अकॉर्डिंग ये देता है। तो हमने एक ब्लैंक सेल इंसर्ट किया था ना, तो इस ब्लैंक को रीड कर लिया, भले इसमें डेटा ना हो बट यूज तो हुआ हुआ है ना सर। तो जितने कॉलम यूज होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला और डाल के मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो आपके लिए ब्लैंक है बट सिस्टम इसको यूज सेल में गिनती कर लेता है। तो जब मैं इसको एंड बटन प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। और इसमें होम प्रेस करूंगा तो स्टार्ट में, एंड एंटर सबसे लास्ट में और होम के साथ सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। हाँ अब इसी में एक चीज और आता है, कंट्रोल एंड। आप नॉर्मल एंड करेंगे तो आपका उस रो के लास्ट में जाएगा, लेकिन कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट डेटा के सबसे लास्ट में आएगा। आ गया सर? जी अगर मैं नॉर्मल होम करता हूं तो इस कॉलम के स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन मैं कंट्रोल होम करता हूं तो डेटा के सबसे स्टार्ट में आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एंड करूंगा तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट होम करूंगा तो जहां कर्सर है वहां से ऊपर का डेटा हाईलाइट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे कर्सर है, अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट होम किया तो यहां से ऊपर का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके समझ में आया आपको? यस। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की, कि मुझे कई सारे सेल सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मैंने आप इस तरह से आप कॉपी कंट्रोल प्रेस रखते हुए, कंट्रोल को होल्ड रखते हुए आप जहां भी क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, बट इसको कॉपी नहीं कर सकते। इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी जो चीजें करना है कर सकते हैं, बट आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर वो कॉपी करना है तो आपको सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। जैसे हमने ए पे क्लिक किया, कंट्रोल डी पे किया, एच पे किया और एल पे किया, मैं इसको कॉपी कर सकता हूं और किसी भी अनदर शीट अनदर फाइल में पेस्ट करूंगा तो यहाँ सिक्वेंसली इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ए से 4 सेलेक्ट कर लिया और एफ में मैंने सिर्फ 2 सेलेक्ट किया। अब मैं कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक कॉलम में आपने 4 तक सेलेक्ट किया है तो एफ कॉलम में भी मुझे 4 तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। मतलब कि जितना कॉलम आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उतना ही कॉलम आपको रो नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम, देन आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी सिक्वेंस मिसमैच हुआ तो आपका डेटा कॉपी नहीं होगा। ओके। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करके करना और कॉपी करना आपको समझ में आ गया? कोई यस। डाउट इसमें? नहीं। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि मेरे पास एक सीट है, यहां पे मेरे पास यहां पे कई सारे सीट्स हैं। और मान लीजिए मुझे शीट हर शीट पे डेट लिखना है,
समझ गए? हाँ मुझे हर शीट पे डेट लिखना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और हर शीट को शिफ्ट प्रेस करूंगा और सबसे लास्ट वाले शीट पे चला जाऊंगा। हमने शिफ्ट प्रेस किया और सबसे लास्ट वाले शीट पे आ गया। अब मैं कुछ भी करूंगा हर शीट पे सेम लोकेशन में पेज आपका टाइप होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया आज का, तो आप देखेंगे शीट टू पे, शीट थ्री पे, शीट फोर पे, शीट फाइव पे, सब पे डेट है, ओके बट सेम लोकेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे ए थ्री में किया है, बी थ्री में किया है, तो हर सीट के ए थ्री और बी थ्री में होगा एक साथ। क्लियर है? यस अब बात आती है कि मान लीजिए मुझे कुछ सिलेक्टेड सीट में चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके उस सिलेक्टेड सीट को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ जैसे मैं राइट टाइप कर दिया मान लीजिए टाइम, तो जो सिलेक्टेड सीट है उसमें आएगा। तो सिलेक्टेड सीट को हमने कैसे सिलेक्ट किया? टाइम की इसी कंट्रोल की मदद से। तो शिफ्ट के साथ करते हैं तो पूरा स्टार्टिंग टू एंड सिलेक्ट होता है, और कंट्रोल के साथ करते हैं तो जहां जहां आप क्लिक करेंगे, चाहे वो सेल हो चाहे वो शीट हो, वो पर्टिकुलर एरिया ही सिलेक्ट होगा। राइट सर? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो याद रखिएगा कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट करते हैं, बट करेंट रीजन अगर डेटा नीचे ब्लैंक हुआ तो उन ब्लैंक के नीचे आगे आगे नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखना होता है पहले से। ओके दूसरी दूसरी चीज है कि आप इसमें बेटर है कि आप होम कंट्रोल, होम और कंट्रोल एल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि अनयूजुअल सेल्स में बहुत सारे यूज सेल नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपने पहले यूज करके डिलीट नहीं करना चाहिए, वरना वो फिर वो ब्लैंक, बहुत सारे ब्लैंक सेल को ले लेगा। वहां पे आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन और लेफ्ट एरो यूज करो किया जा सकता है, बट ध्यान रहे कि आपका स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम ब्लैंक में ब्लैंक सेल नहीं होने चाहिए। राइट सर? ओके।